So we are starting with the example 28 we were doing yesterday. In that last में हमने क्या कहा था कि अगर हमारा जो 0.1 हमें interval given होगा, then we will say कि जो हमारा function है वो क्या हो जाएगा, उसकी जो maximum या minimum value exist करेगी. Otherwise 0.1 अगर open interval है तो f of x is equal to x के लिए जो आपका function था उसकी कोई मिनिमम या कोई मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी. जब ये हमारा क्लोज इंटरवल आ जाता है, एट दैट मोमेंट मिनिमम वैल्यू विल बी जीरो एंड द मैक्सिमम वैल्यू विल बी वन. ठीक है, अगर ये ओपन इंटरवल होगा तो वी कैन नॉट फाइंड आउट द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू. क्यों? क्योंकि हम जो भी वैल्यू लेंगे उसके स्लाइटली लेफ्ट पे स्टिल देयर विल बी अ नंबर, स्लाइटली राइट पे स्टिल देयर विल बी अ नंबर. तो अगर क्लोज इंटरवल है देन ओनली द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के लिए एग्जिस्ट करेगी. तो जब भी हमें इस तरह का फंक्शन गिवन होता है तो वी कैन से, जैसे यहाँ पे ये गिवन है कि जो हमारा है कि एवरी मोनोटोनिक फंक्शन जो है दैट एज्यूम्स इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. ये आपकी फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है जिसके जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल ऑफ द फंक्शन लाई कर रहे हैं. अगर ये इस तरीके से ओपन इंटरवल है देन इट इज हैविंग नो मैक्सिमम और नो मिनिमम वैल्यू. मोनोटोनिक फंक्शन आपकी क्या, कौन सी फंक्शन होती है विच इज ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या इंक्रीज कर रही होगी या डिक्रीज कर रही होगी, तो दैट इज अ मोनोटोनिक फंक्शन. और हर मोनोटोनिक फंक्शन के लिए अगर आपको, जैसे ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का ही हमने एग्जाम्पल लिया है, अगर ये आपका ओपन इंटरवल है तो यहाँ नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, बट क्योंकि यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल गिवन है आपका तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द इंटरवल, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जो आपका अपर लिमिट इंटरवल का बन रहा है दैट इज इट्स वैल्यू. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि स्लाइटली लेफ्ट पे और स्लाइटली राइट पे जब जो है एग्जिस्ट करता है देन वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव. हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है. देन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि इफ द वैल्यू विल चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रही है, कल मैंने आपको ऐसे बताया था कि यहाँ से इधर की तरफ जा रहे हैं स्लाइटली लेफ्ट पे स्लाइटली राइट पे जब हम चेक करते हैं वैल्यूज, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रही है देन दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम. यहाँ से जहां से हम शुरू कर रहे हैं वो लेके चल रहे हैं. अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, यानी कि एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है क्रिटिकल पॉइंट के स्लाइटली लेफ्ट और स्लाइटली राइट पे, देन दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम. तो जो हम स्लाइटली लेफ्ट स्लाइटली राइट पे चेक कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. हम एफ डैश एक्स के अकॉर्डिंगली जो है चेक करते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रही है या नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रही है. एग्जाम्पल देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा. लेट अस टेक एग्जाम्पल नंबर 29. वी आर टू फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन. एफ हमें एक फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3. डेरिवेटिव क्या आएगा? थ्री एक्स स्क्वायर. आगे माइनस 3. नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं. फॉर फाइंडिंग आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करते हैं? पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो. क्या आएगी एक्स की वैल्यू? प्लस माइनस 1. तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस 1. यानी कि अब हमने एफ डैश एक्स को चेक करना है slightly left और slightly right पे, और चेक करना है कि साइन जो है उसका किस हिसाब से चेंज हो रहा है. वन के slightly left में हमारे कौन कौन से पॉइंट्स बनेंगे? slightly left पे वन के 0.9 ले लूं और slightly right पे 1.1 ले लेते हैं. ठीक है, अब 0.9 जब हमने यहाँ पे पुट किया तो क्या वैल्यू आएगी आपकी? 3 into 0.9 square minus 3.
थ्री को जब आप 0.9 स्क्वायर से 0.9 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो विल दैट वैल्यू बी ग्रेटर देन थ्री और लेस देन थ्री? दैट विल बी लेस देन थ्री. लेस देन थ्री को माइनस थ्री करोगे तो दैट विल बी लेस देन जीरो. नेगेटिव वैल्यू आएगी आपकी. सिंप्लीफाई करके देख लेना बेशक आप इसको. सो ये वाली जो आपकी वैल्यू है दिस इज लेस देन जीरो, यानी कि नेगेटिव आ रही है. ठीक है, 1.1 पे पुट करोगे तो 3 इंटू 1.1 का स्क्वायर माइनस 3. 3 को जब 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी पॉजिटिव. प्लस 3 से बड़ी वो वैल्यू आएगी आपकी. 3 से बड़ी वैल्यू है उसमें से 3 माइनस करोगे तो दैट वैल्यू विल बी पॉजिटिव. 1.1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1.21. 1.21 से जब आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन 3. उसमें से जब आप 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? पॉजिटिव. अब आपका एफ डैश एक्स का जो साइन है दैट इज चेंजिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम. ठीक है, अब हमने क्या लेके चलना है? माइनस वन. माइनस वन के स्लाइटली लेफ्ट पे क्या पॉइंट होगा आपका? माइनस 1.1. और स्लाइटली राइट पे क्या पॉइंट होगा आपका? माइनस 0.9. अब वैल्यूज पुट करो ये वाली. यहाँ पे माइनस 0.9 पुट करोगे स्क्वायर जो है उसका हो जाएगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव होगा ये. तो 0.9 स्क्वायर ये वैल्यू आपकी क्या होगी? लेस देन जीरो. तो ये हो गया लेस देन जीरो. माइनस 1.1 का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आ जाएगा ये आपका. माइनस 3 करोगे वैल्यू विल बी पॉजिटिव, यानी कि ये हो गया आपका ग्रेटर देन जीरो. अब माइनस 1.1 आपका माइनस 0.9 से पहले आता है. ठीक है, यानी कि माइनस 0.9 बड़ा है ये छोटा है. तो एफ डैश एक्स का साइन कहां से कहां चेंज हो रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब जब आपका साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. तो ये आपका लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आ गया. दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम. इफ द साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव दैट इज द साइन ऑफ लोकल मिनिमा. इफ इट चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव दैट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम. गॉट इट? और पॉइंट कहाँ से कहाँ? पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव. कैसे देखोगे? नंबर लाइन पे ये आप ये वाले पॉइंट स्लाइटली टू द राइट ऑफ योर क्रिटिकल पॉइंट, स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ योर क्रिटिकल पॉइंट. लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हुए जो साइन हो रहा है यू आर टू चेक दैट. 0.9 छोटा है, 1.1 बड़ा है तो साइन चेंज हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव. माइनस 1.1 छोटा है, माइनस 0.9 बड़ा है तो साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो अकॉर्डिंगली आप अपनी वैल्यूज ले लो. गॉट इट? तो आपका जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे? एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा and x is equal to 1 is a point of local minima. अब आपको अगर इन पे इनकी वैल्यूज निकालनी है तो आप फंक्शन की वैल्यूज निकालने के लिए क्या करोगे? x is equal to minus 1 और x is equal to 1 यहाँ पे पुट करोगे तो यू विल गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू. क्लियर? अब जैसे x is equal to 1 लोकल मिनिमा का पॉइंट है तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? एफ ऑफ 1, 1 पुट कर दो एक्स को, क्या आ जाएगा? क्या आएगा? 1 माइनस 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 1. मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो. एफ ऑफ माइनस 1 पे मैक्सिमम है तो जब आप यहां माइनस 1 पुट करोगे दिस इज माइनस 1, ये प्लस 3 हो जाएगा, ये भी प्लस 3 हो जाएगा. 3 प्लस 3 इज 6, माइनस 1 इज 5. तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू 5 आ गई, लोकल मिनिमम वैल्यू आपकी माइनस 1 आ गई. समझ आया है या दोबारा एक्सप्लेन करूं? इज दिस क्लियर? मेथड देखो क्या क्या करना है हमने. सबसे पहले डेरिवेटिव लेना है. हाँ जी, ओके. देखो यहाँ साइन चेंज हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव. ठीक है, ऐसे नहीं याद रहता तो आप नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब आप ऐसे जा रहे हो. ये आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट था, यहाँ से आप इधर की तरफ वैल्यू बढ़ती जा रही है. तो लोएस्ट पॉइंट विल गिव यू लोकल मिनिमम. ठीक है, जब पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है
यानी कि मैंने यहां से मूव करना शुरू किया, मैं नीचे की तरफ आ रही हूँ, नेगेटिव मतलब कम हो रही है वैल्यू, तो यहां से शुरू किया यानी कि इससे आगे मैं नहीं जा सकते, तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। उसके किसको, दिस वन, ये स्लाइटली लेफ्ट और स्लाइटली राइट है, पॉइंट्स ये नहीं है, कहाँ पे चेंज हो रहा है, वो इस पॉइंट पे चेंज हो रहा था, यानी कि जो x इज इक्वल टू वन है, ये वैल्यू ये है x इक्वल टू वन पे, x इक्वल टू वन पे जब हम स्लाइटली उसके राइट पे जा रहे हैं तो वो वैल्यू आपकी इंक्रीज होनी शुरू हो गई। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पे आपका जो ग्राफ होता है वो टर्निंग पॉइंट ग्राफ का जो भी होता है, अगर जैसे वो डिक्रीज कर रहा था उसके बाद वो इंक्रीज करना शुरू हो गया, तो यहाँ तक इधर मान लो अगर उसने डिक्रीज किया तो अब इसके बाद जो मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट आया मेरा वन, तो यहाँ से वो इंक्रीज करना शुरू कर देगा, तो हम क्या करते हैं, मिनिमम है पॉइंट वो मैक्सिमम है वो पॉइंट, उसके लिए इसके स्लाइटली लेफ्ट और राइट को लेके चलते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हमने चेक नहीं करना, ये सिर्फ हमें ये बताने के लिए है कि इनकी जो वैल्यूज हैं, यानी कि उसके लेफ्ट पे फंक्शन आपका डिक्रीज हो रहा था कि इंक्रीज हो रहा था, तो अकॉर्डिंगली वो हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, यानी कि अगर मैं इस कर्व को पूरा करूँ मान लो, तो अभी तक यहाँ ये इंक्रीज कर रहा था, अब ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, क्रिटिकल पॉइंट के बाद अब ये डिक्रीज करना शुरू हो गया, अब ऐसे स्टेटमेंट देख के मुझे नहीं पता कि वो इंक्रीज कर रहा था या डिक्रीज कर रहा था, स्लाइटली टू द लेफ्ट या स्लाइटली टू द राइट। अब अगर ये वन पॉइंट है, ग्राफ अगर मुझे नहीं गिवन है, मुझे नहीं पता इधर ये इंक्रीज कर रहा है इधर डिक्रीज कर रहा है, तो इस पॉइंट को निकालने के लिए कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, हम ये वाला मेथड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसको बोलते हैं, दिस वी आर टू यूज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट तो हमें पता लग गया, फंक्शन भी हमें गिवन है, हर फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट के स्लाइटली लेफ्ट और राइट को ले लिया। अगर क्रिटिकल पॉइंट के स्लाइटली लेफ्ट पे आपके जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो नेगेटिव है और स्लाइटली राइट पे पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि ये चेंज हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट मींस यहां तक वो वैल्यू पहले आपकी डिक्रीज हो रही थी, ये पॉइंट आपका टर्निंग पॉइंट आ गया क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है, इसके बाद फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू हो गई, इट मींस ये वाला जो आपका पॉइंट था दैट वाज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और इसमें जब मैंने चेक किया माइनस वन पे, जब मैंने उसको चेक किया स्लाइटली लेफ्ट पे वो पॉजिटिव दिखा रहा था, स्लाइटली राइट पे वो नेगेटिव दिखा रहा है, इट मींस जो मेरा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन वाला पॉइंट था अगर वो इधर मुझे पॉजिटिव दिखा रहे, यानी कि यहाँ वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, आपको पता है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है अगर तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स अगर लेस देन जीरो है फंक्शन इज डिक्रीजिंग, अब यहाँ पे आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है माइनस वन पॉइंट वन पे, यानी कि इधर जो फंक्शन है वो आपका इंक्रीज कर रहा था, अब एक्स इक्वल टू माइनस वन आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया, तो इसकी अब ये टर्निंग पॉइंट है, यानी कि अब इधर वो डिक्रीज करना शुरू कर गया, तो यहाँ मुझे उसने कैसे शो किया लेस देन जीरो, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो मतलब डिक्रीजिंग हो गया, तो अब इधर से वो क्योंकि डिक्रीज कर रहे हैं तो इट मींस इससे ऊपर वैल्यू नहीं जा सकती, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो दिस इज द लोकल मैक्सिमम। तो हम चेक कैसे कर रहे हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट से बनाना शुरू करना है, अगर ग्रेटर देन जीरो से लेस देन जीरो पे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो इट मींस फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है आगे, तो ये लोकल मैक्सिमम। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, यानी कि नेगेटिव मींस ऐसे अब इंक्रीज करना शुरू हो गया, तो ये आपका सबसे लोएस्ट मिनिमम पॉइंट था, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जब चेंज कर रहा है दैट इज द लोकल मिनिमा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जब चेंज करेगा दैट इज लोकल मैक्सिमम, गॉट इट। और लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी है, वैल्यू हमेशा हमें फंक्शन में पुट करके मिले, जो आपके ये पॉइंट्स आए हैं क्रिटिकल, इन्हीं को आप पुट करके यू विल गेट द, जिस क्रिटिकल पॉइंट पे लोकल मिनिमा है वो लोकल मिनिमा वैल्यू देगा वो वाला पॉइंट, जिस क्रिटिकल पॉइंट पे आपका लोकल मैक्सिमा है दैट विल गिव यू द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो वैल्यू निकालने के लिए यू विल ऑलवेज यूज एफ ऑफ एक्स, जब आपको चेक करना है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो किसमें पुट करना है, एफ डैश एक्स में, क्योंकि डेरिवेटिव हम चेक करते हैं ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिसाइड कि वो
फंक्शन आपका इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग था, तो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स आपको मिलते हैं. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द 30th क्वेश्चन. देखो 30th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ - 6x² + 6x + 5. फंक्शन हमें गिवन है, सबसे पहला काम क्या करना है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए फाइंड द डेरिवेटिव, पुट द डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड देन चेक द पॉइंट्स फॉर कि आपकी वो फंक्शन जो है दैट इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एंड वेदर द एफ डैश एक्स इज चेंजिंग द साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव. एफ ऑफ एक्स इज 2x³ - 6x² + 6x + 5. What will be the derivative? 6x² - 6x + 6. Yeah, 12x - 12x. Chali. Now this is 6 common lele. x² - 2x + 1. क्या लिख सकते हैं इसको फर्दर? x - 1² लिख सकते हैं? लिख सकते हैं. क्या करें आगे दर से? पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो. तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा आपके पास. x इज इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट है. अब इसके स्लाइटली लेफ्ट स्लाइटली राइट पे हम चेक करेंगे. चलो बताओ मुझे अब वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है. पुट द वैल्यूज इन एफ डैश एक्स. यहाँ पे पुट कर लो, यहां से ही देख लो, इसको समझ लो. जब मैं एक्स को 0.9 पुट करूंगी, 0.9 इज लेस देन 1, ये वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी. ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो दैट विल बिकम पॉजिटिव. तो स्लाइटली लेफ्ट पे दैट इज पॉजिटिव. अब स्लाइटली राइट पे लो, स्लाइटली राइट पे मैंने क्या लिया, 1.1 पुट किया, दैट इज ग्रेटर देन 1. तो इस स्पेसिफिक की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव. पॉजिटिव का स्क्वायर इज अगेन पॉजिटिव. अब हम फंस गए यहाँ पे, लेफ्ट पे भी पॉजिटिव है, राइट पे भी पॉजिटिव है. इट मींस कि कई फंक्शंस हमारे ऐसे होते हैं जिनका हमें एफ डैश एक्स को चेक करके नहीं पता लगता कि वो फंक्शन आपका लोकल मैक्सिमा दे रहा है या मिनिमा दे रहा है, यानी कि ये स्पेसिफिक पॉइंट आपको लोकल मैक्सिमा दे रहा है या मिनिमा दे रहा है. तो ऐसे जो पॉइंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे आपका एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज नहीं हो रहा, दे आर कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1 जो है आपका, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. By first derivative test, this is neither a point of local maxima or nor a point of local minima. क्योंकि यहाँ left पे भी positive है, right पे भी positive है. It means ये कोई turning point आपको नहीं दे रहा. So this is a point of inflection. Point of inflection पे you cannot find the maximum or minimum जो भी आपका बनता है. तो जहां पे आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, अब ये फेल हो गया, फंस गए ना आप, यहाँ पे आगे नहीं कर सकते, तो वहां पे हम क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लेते हैं. यानी कि हम क्या करेंगे, अब इसका फिर से डेरिवेटिव ले लेंगे. जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया है इसका आप क्या करोगे, फिर से डेरिवेटिव ले लोगे. अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या क्या कंडीशंस आती हैं? अगर आपका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये ग्रेटर देन जीरो है, अब यहाँ एफ डैश एक्स से उल्टा होता है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो दिस विल बी अ पॉइंट, गिव यू अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. ग्रेटर देन जीरो एफ डबल डैश एक्स है, डबल डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव आपने लिया, तो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो दैट विल गिव यू अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. अगर एफ डबल डैश एक्स आपका लेस देन जीरो है, दिस विल गिव यू अ पॉइंट ऑफ लोकल
मैक्सिमा, एफ डबल डैश लेस देन है अगर तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन है अगर तो मिनिमा। और फिर वही चीज कि अगर ये जीरो हो जाता है फिर मान लो कि मुझे ये वाला मेथड ज्यादा इजी लगा, मुझे जब भी उन्होंने लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए कहा आई विल नॉट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, मैं नहीं चेक कर रही उसमें इन्फ्लेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा, लोकल मिनिमा आ रहा है नहीं आ रहा, मैं सीधा क्या करूंगी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगी, देन आई विल स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव टू दिस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्योंकि मुझे ये ज्यादा इजी लगता है। तो इस केस में जब तो ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो आ रहा है देन इट्स फाइन, मुझे पता लग रहा है कि वो लोकल मिनिमा है वो लोकल मैक्सिमा है। बट व्हाट व्हेन एफ डबल डैश एक्स इज जीरो, अगेन जब आपका एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो बनता है तो दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अगर आपका फेल हो गया यू आर टू स्विच बैक टू योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, दोनों में से एक ना एक टेस्ट आपका जो है दैट विल गिव यू द वैल्यू। अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका जो है आ रहा है तो आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे जाओगे। जब आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, मान लो मैंने ये बीच में ये स्किप कर दिया, मैं इसके बाद सीधा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेती हूँ, बट वहां पे अगर वो वैल्यू मुझे इक्वल टू जीरो मिल रही है देन आई विल स्विच बैक टू दिस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो दोनों में से किसी ना किसी एक से यू विल गेट द लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। सो आई होप दिस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इज क्लियर टू यू। किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट सी पे एट एक्स इज इक्वल टू सी अगर एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ जैसे मैंने अभी वन निकाला है तो सी की वैल्यू वन है, तो अगर एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा, लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा, एफ डबल डैश सी इक्वल टू जीरो यानी कि अगर उस क्रिटिकल पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो बन जाती है तब आपको फिर से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो करना पड़ेगा। सो ये वाला क्वेश्चन अब आगे करके देखो इसको डबल डेरिवेटिव से क्या मिल रहा है आपको आंसर मिल रहा है, चेक इट आउट। डबल डेरिवेटिव निकाल लो क्या आएगा, करो इस केस में फिर मुझे बताओ कि इफ यू आर गेटिंग और नॉट। जीरो ही आएगा, चेक इट आउट। डबल डेरिवेटिव क्या आया इसका, ट्वेल्व इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है। अब एक्स इज इक्वल टू वन यहां पुट करोगे एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इज अगेन अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी कि ये जो मुझे फंक्शन गिवन है ये वाला फंक्शन का ग्राफ इस तरह का है जिसमें कहीं पे भी कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा। अब कहीं पे भी कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा मींस नीदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू, क्लियर। जिस तरफ ये डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज ही होता जा रहा है, जिस तरफ ये इंक्रीज हो रहा है उधर वो इनफाइनाइटली इंक्रीज ही होता जा रहा है। तो दिस ग्राफ इज हैविंग नो टर्निंग पॉइंट, सो देयर इज नो लोकल मिनिमा और नो लोकल मैक्सिमम। इंटू एक्स का डेरिवेटिव इज वन, इंटू एक्स नहीं एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। हाँ जी, ट्वेल्व इंटू एक्स माइनस वन था एट क्रिटिकल पॉइंट, एक्स इज इक्वल टू वन पुट किया, ट्वेल्व इंटू वन माइनस वन, वन माइनस वन इज जीरो, ट्वेल्व इंटू जीरो इज जीरो, ठीक है। सो दिस वॉज योर एग्जाम्पल थर्टी। एग्जाम्पल थर्टी में इफ यू विल सी तो नीचे उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि यहाँ जो एग्जाम्पल थर्टी में आपका ग्राफ है जिसने एफ डैश एक्स जो है दैट नेवर चेंजेस इट्स साइन ऑन आर, देयरफॉर इट इज हैविंग नो लोकल मिनिमा और नो लोकल मैक्सिमा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल देखो 31। एग्जाम्पल 31 में यू आर हैविंग फाइंड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस मॉड एक्स। ये कर दूं इरेज, देखो 3 प्लस मॉड एक्स है मेरे पास और कंडीशन क्या गिवन है यहाँ पे, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है।
अब देखो ये चीज, अगर मैं इसका जो है ग्राफ ड्रॉ करूं, मॉड एक्स का जो ग्राफ है आपका वो ऐसे बनता है। अब ये जो फंक्शन है वो क्या कह रहा है, 3 प्लस मॉड एक्स, यानी कि अब ये जो आपका ग्राफ बनेगा दैट विल बी इन दिस 1 2 3 पे ये बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसको वैसे लेके चलूं तो मॉड एक्स मीन्स अ वैल्यू विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो एक्स की वैल्यू चाहे मुझे नेगेटिव गिवन है चाहे मुझे पॉजिटिव गिवन है, ये जो मेरा रिजल्ट है वो हमेशा क्या आएगा, दैट विल गिव मी अ पॉजिटिव वैल्यू विच विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 3। 3 से जो है वो हमेशा बड़ी होगी, या जब ये ओवरऑल 0 हो जाएगा देन दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 3। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है उस टाइम पे वो क्या होगी, 3 होगी। हमने जब भी हमें इस तरीके की जो है वो गिवन होंगे, फंक्शंस गिवन होंगे, हमने क्या करना है, जो यहाँ पे है कॉन्स्टेंट को छोड़ दो, जो यहाँ पे है वो हमने चेक करना है कि जब 0 होगा तो उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही है, क्योंकि जब ये आपकी वैल्यू 0 होगी उस टाइम पे ये आपको कॉन्स्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब मॉड एक्स को चेक करो, मॉड एक्स जो है दैट विल ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या वो 0 से बड़ा होगा पॉजिटिव होगा या 0 के इक्वल होगा, यानी कि मॉड एक्स के केस में मुझे जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है दैट इज 0, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू 0 जब मैं इसमें प्लस करूंगी तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उस टाइम पे क्या आ रही है, 3 आ रही है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास 3 आ रही है। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू विल बी 3। कैन वी फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस, नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है तो दैट विल गो अप टू इंफिनिटी, तो 3 में अप टू इंफिनिटी जब ऐड करोगे तो कोई मैक्सिमम वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, सो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कितनी आई आपकी, 3, ठीक है। अभिषेक कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, क्लियर है। अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आ रहा था, 0 पे, तो x इज इक्वल टू 0 पे हमने चेक किया कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है या मैक्सिमा है, गॉट इट। अच्छा, अगर इसको डेरिवेटिव वाले मेथड से करते हो, फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से, अभी तो मैंने इसको डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर दिया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से अगर इसको करना है तो कैसे करोगे, हाँ क्या आएगा, वन कैसे आएगा, मॉड एक्स है ये, एक्स नहीं है, बताओ क्या होता है। फंक्शन आपको मैंने कितनी बार बताया हुआ है, उसको रीराइट कर लिया करो, 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स, क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 आपका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, तो 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स, 3 माइनस 0 3 प्लस 0 दैट इज ऑलवेज 0, तो उसको आप 3 में प्लस करो, 3 को 3 में से माइनस करो तो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 3 ओनली, ठीक है। समझ आया कि नहीं, जब आप उसको स्लाइटली लेफ्ट पे ले रहे हो तो माइनस एक्स वाली वैल्यूज आ रही हैं, और जब आप इसको स्लाइटली राइट पे ले रहे हो तो फंक्शन आपका क्या बनेगा, 3 प्लस एक्स, जब राइट पे ले रहे हो तो 3 माइनस एक्स, एक्स नेगेटिव है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो फंक्शन जब आप रीराइट करोगे ये बनेगा आपका, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट के लिए, यानी कि एक्स लेस देन 0 के लिए दिस इज 3 माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए दिस इज 3 प्लस एक्स, गॉट इट। एफ डैश एक्स क्या आएगा, हाँ यहाँ डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1 फॉर एक्स लेस देन 0, एक्स के स्लाइटली लेफ्ट पे, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 दिस विल बी +1, साइन इज चेंजिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव मींस पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, गॉट इट। अदरवाइज जो मैंने डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि अब आपको लिखना तो है नहीं है, इट विल बी ओनली इन एमसीक्यू फॉर्म, तो आप डायरेक्ट भी उसको कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन, दिस एग्जाम्पल नंबर 32।
फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय. अब इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से उन्होंने किया है, आप चाहो तो इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी कर सकते हो, बट वेन यू विल यूज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट तो आपको लगेगा कि यहाँ पे आपका टाइम सेव होता है, तो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर दिस. बट अगेन अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आपका फेल हो जाता है, यू आर टू स्विच बैक टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. फंक्शन गिवन है 3x4 प्लस 4x³. -12x² प्लस 12. डेरिवेटिव बताओ जल्दी से. (24x) 0 हो गया. अब नेक्स्ट. ये आ रहे हैं? अब क्या करें? ओके अब फैक्टर्स मिडिल टर्म स्प्लिट करके सारे फैक्टर्स बना लो ना इसके भी, क्वाड्रेटिक आपको जो गिवन है. सम 1 चाहिए, प्रोडक्ट -2 चाहिए, क्या फैक्टर्स बनेंगे? x² प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. ये दोनों लो और ये दोनों लो. यहाँ से x कॉमन लिया, दिस इज x प्लस 2, यहाँ से माइनस 1, x प्लस 2 इक्वल टू 0. सो वी आर हैविंग 12x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. क्या वैल्यूज आ गई x की? अब 12 कैन नेवर बी इक्वल टू 0, सो इट मींस इधर x इज 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यूज आ गई 0, 1, माइनस 2. सो x इज इक्वल टू माइनस 2, 1 एंड 0. गॉट इट? अब क्या करना है? डबल डेरिवेटिव निकाल लो. f डबल डैश x क्या आएगा? (36x²) 24x माइनस 24. अब ये तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं मेरे पास, तो अब यहाँ पे f डबल डैश c आपको चेक करना होता था. तो ये तीन वैल्यूज हैं मेरे पास, दिस इज माइनस 2, 1, 0. पुट द वैल्यूज और चेक करो कि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0. माइनस 2 पुट करोगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा, 1 पुट करोगे तो अगेन ग्रेटर देन 0 आएगा, एंड 0 पुट करोगे तो ये दोनों 0 हो गए, -24 दैट इज लेस देन 0. यहाँ पे वैल्यूज लिख लेना जो भी आए. अब f डबल डैश c इज ग्रेटर देन 0, तो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, हाँ दिस इज मिनिमा, वेरी गुड. एंड ये भी लोकल मिनिमा और लेस देन 0 लोकल मैक्सिमा. f डबल डैश माइनस 2 पे दिस इज 48, f डबल डैश 1 पे भी 48, 0 पे -12. अब हमें जो है वी आर टू फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज उसने हमें कहा, ठीक है. अब लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज हमने इन पॉइंट्स पे निकालने हैं फॉर फाइंडिंग आउट. हाँ जी, विच वन? चलो कैलकुलेट कर लेना जितना भी आएगा ये 84. ओके अब ये हमें क्या कैलकुलेट करना है? f ऑफ -2, f ऑफ 1 एंड f ऑफ 0, दैट विल गिव अस द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज. चलिए बताइए क्या आएंगे. लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1,
x is equal to plus one, not minus one. क्या आएगी? वन पुट करो, थ्री प्लस फोर माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व सेवन. वन वाला जो था दैट वाज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम. तो लोकल मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू वन इज सेवन. इसी तरीके से लोकल मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एफ ऑफ माइनस टू निकाल लोगे कितना आया? थ्री, दिस इज फोर, सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट, आगे थर्टी टू, फोर्टी एट एंड ट्वेल्व फोर्टी फोर. ठीक है, इसी तरीके से लोकल मिनिम लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू जीरो आप निकाल लोगे एफ ऑफ जीरो कितना आएगा? ट्वेल्व. ठीक है, हाँ जी चेक कर लो एक बार वैल्यूज. यहां माइनस थर्टी टू है, दिस इज माइनस थर्टी टू, सो इट विल बी माइनस ट्वेंटी. ठीक है, तो ये माइनर सी साइन की मिस्टेक से देखो आंसर गलत हो जाता है, तो ध्यान रखना है इस चीज का आपने. सो विल यू बी एबल टू डू दिस? नाउ द टाइम इज ओवर, सो एक्सरसाइज वी विल स्टार्ट टुमारो. रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स यू कैन डू योरसेल्फ. सो टुमारो वी विल स्टार्ट विद द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, और उसके बीच में एक टॉपिक एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, दैट ऑल्सो आई विल टेल. ठीक है, so if any doubt is there bache you can raise your hand and you can